नमस्कार। सो आज बात करेंगे एक और ऑप्शन के लिए जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया था कि परफेक्ट बैकअप फॉर इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस, इसको हमें थोड़ा डिफरेंट लेके चलना है और इस ऑप्शन को हमें मानना बोलना पड़ेगा पाथवे फॉर यूएस एंड यूके। जी हाँ, और ये ऑप्शन है मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। सो देखिए, मलेशिया में 5 साल की एमबीबीएस होती है, जैसे मॉरिशस में होती है या और कुछ कंट्रीज में, और मलेशिया में इंटर्नशिप की ऑप्शन है ही नहीं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, जब से वो 18 नवंबर 2021 का जो नया रूल आया है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी तीन चार मेजर पॉइंट थे। कम से कम 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, उसके बाद 1 साल की वहाँ इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंटर्नशिप और कोर्स एक ही हॉस्पिटल में होना चाहिए कॉलेज में, और सबसे बड़ा चौथा पॉइंट, पढ़ाई करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए जो वहाँ के लोकल सिटीजन को मिलता है, राइट। और काफ़ी कंट्रीज इन चारों रूल को फॉलो नहीं कर पा रही, खासकर चौथे रूल को, रजिस्ट्रेशन लेना। और कॉलेजेस बात कर रहे हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट से कि वो कैसे इंडियन स्टूडेंट्स को लाइसेंस दे सकें, लेकिन मलेशिया ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम इंटर्नशिप भी नहीं दे सकते। और चूंकि उस देश की इंटर्नशिप, आई डोंट थिंक कि एनएमसी उस रूल को हटाएगा। देखिए, सबका मानना है कि रजिस्ट्रेशन वाला रूल शायद हट ही जाएगा सुनर और लेटर, लेकिन लेकिन ये इंटर्नशिप का रूल नहीं हटेगा और हटना शायद चाहिए भी नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप अपने करियर को ऐसे देख रहे हैं कि मुझे वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है, देन पहले ही कह दूं वीडियो के स्टार्टिंग में दैट दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर यू। तो अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है, बाकी भी समय मत खराब कीजिए वीडियो को सुनने का। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जिसका सपना ये है कि मैं यूएस या यूके जैसी कंट्री में सेटल हो जाऊं। 5 साल का देखिए एमबीबीएस का कोर्स है, टोटल जो फीस पड़ती है वो तकरीबन $100,000 पड़ जाती है, 300 कम है, और आज के रेट के हिसाब से 80 लाख रुपए 5 साल की ट्यूशन फी होगी। रहना खाना तकरीबन 3 लाख रुपए साल का होता है, तो सब मिला के आप 1 करोड़ रुपया मान के चलिए, बीच में जो बच्चा आपसे मिलने आएगा जाएगा। अच्छी बातें, सबसे पहली बात जी, मणिपाल ग्रुप का कॉलेज है, मलेका एक सिटी है मलेशिया में, कुआलालंपुर से 150 किलोमीटर दूर, और अगर आप देखें तो दिल्ली से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से डायरेक्ट, अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल करके आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट होती है कुआलालंपुर की। और मलेशिया इस काइंड ऑफ ए पड़ोसी देश फॉर इंडिया, जैसे कि जो टोटल फ्लाइट की ड्यूरेशन है, आपसे बात करते करते तो वो खुलता रहेगा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि दिल्ली से कितना दूर पड़ता है कुआलालंपुर का जो फ्लाइट पड़ती है, और वो तकरीबन हमको, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 4 घंटे की होती है, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो आप आराम से आ जा सकते हैं। अभी मैंने क्लिक करा, 16,000 रुपये की टिकट आ रही है सिर्फ, और सॉरी 10 घंटे की फ्लाइट है, 3 तो नहीं, और 16 घंटे की फ्लाइट, और नॉन स्टॉप भी फ्लाइट है 5 घंटे की, 13,000 रुपये की मेलिंडो एयर है जो कि दिल्ली से कुआलालंपुर डायरेक्ट है। सो जो फ्लाइट टाइम है इट इज़ ओनली 5 आवर्स, और जो कम से कम टिकट है वो सिर्फ 14,000 रुपये में मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उतर कितनी पास है। मैं खुद मलेशिया गया हुआ हूँ, कुआलालंपुर, वेरी ग्रेट सिटी। मलेशिया आपको पता ही है कि टेक्निकली एक डेवलप्ड देश में गिना जाता है। टोटल जो मलेशिया की पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ के आसपास है, 3.75-3 करोड़, तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा देश है, एग्जैक्टली 3.5-3 करोड़ पॉपुलेशन है, जीडीपी में बहुत ऊपर आता है, काफ़ी अच्छा उसका बाकी हिसाब किताब है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर फिर से बताऊं तो रियल टर्म्स में $410 बिलियन, वर्ल्ड में 36th रैंक है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में 60 रैंक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जस्ट टू टेल यू, इंडिया की रैंक 120 है, तो उसके हिसाब से ये इंडिया के मुकाबले काफ़ी डेवलप्ड नेशन है, आइलैंड नेशन है, ब्यूटीफुल वेदर रहता है, चारों तरफ समुद्र है, और ये कॉलेज जिस सिटी में वो तो बिल्कुल ही सी शोर पे है, कुआलालंपुर फिर भी सी शोर पे नहीं है, बट ये शहर तो बिल्कुल ही सी शोर के ऊपर है। और मणिपाल ग्रुप है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर कहीं कोई डाउट नहीं है। फीस मैंने आपको बता दी, और अब से नहीं, शुरू से ही देखिए, इस कॉलेज में जो मलेशिया के बच्चे ही पढ़ते हैं, फोकस रहते हैं यूएस या यूके जाना, तो यूके के लिए प्लेब 1, यूएस के लिए USMLE 1, सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू हो जाती है। एजुकेशन का फोकस ही वो है कि बच्चे को यूएस या यूके पहुंचना है, तो उस बारे में कोई समस्या नहीं है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है,
कॉलेज जो है इसको खुले हुए 24 साल हो चुके हैं, और 24 साल पहले कॉलेज खुला था, साल में दो बैच होते हैं, तो हम मान के चलिए कि 50 बैच ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं, 50 बैच हैव सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। और देखिए, जब ये रूल नहीं आया था एनएमसी का, तब तो ये ड्रीम ऑप्शन थी, क्योंकि तब वो इंटर्नशिप की कंडीशन नहीं थी ना, तो जिनके पास ऑफकोर्स अच्छा बजट होता था, क्योंकि देखिए यूक्रेन वगैरह में तो 25-30 लाख में काम हो जाता है, फिलीपींस से 35 लाख में, और मैक्सिमम नेपाल में 70 लाख में, मॉरिशस में, तो ये सबसे महंगी ऑप्शन थी 1 करोड़ की, एंड डेफिनेटली वही अफोर्ड करता था जो बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन देख रहा है, और इंडिया में आपको वो नहीं मिल रही है। लेकिन अब इंडिया में तो वापस आ ही नहीं सकते, तो आपको इस ऑप्शन को तभी देखना है जब आपका सपना यूएस या यूके में प्रैक्टिस करने का, पीजी करने का, सेटल करने का है, उसके लिए इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। तो हम इसको कह भी यही रहे, आपको वीडियो के टाइटल में भी यही दिखेगा, पाथवे टू यूएस एंड यूके, नॉट द बैकअप टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस, जो मैंने नेपाल के बारे में बोला, राइट? तो उसके हिसाब से आप इसको लीजिएगा, आपको वो सपना है, वो ड्रीम है, बच्चे में वो कॉन्फिडेंस है कि वो आगे चल के निकाल सकता है, तो आप जाइए। नीट क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए, तो नीट क्वालिफाई का रिजल्ट जैसा मैंने कहा, दो बैच होते हैं, एक बैच सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर मिड तक, एक बैच मार्च में स्टार्ट होगा, 31 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन की, बैच खत्म होने वाला है। आप अगर एडमिशन लेना चाहें, कॉन्टैक्ट अस 9643362320, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट और आने वाला नीट स्कोर कार्ड, तभी बात कीजिए जब आपको पता है कि आप नीट क्वालिफाई करने ही वाले हैं, और उसमें भी अगर हो सके तो 200 मार्क्स आप क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा बैकअप हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपना अगर यूएस या यूके जाने का है तो। इसके अलावा वैसे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी लेते हैं, और चाहे वो आयल्स हो, चाहे टोफल हो, चाहे कुछ हो, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें भी एग्जम्पशन मिल जाता है अगर 12th में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, तो वो एक बार आप हमसे संपर्क करेंगे तो उस बारे में बातचीत हो सकती है। सो ये है ऑल डिटेल्स अबाउट मलेशिया यूनिवर्सिटी कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल कीजिए 9643362320, एंड वी शैल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू सो दैट यू कैन रीच योर ड्रीम कॉलेज। ओके, हैव अ नाइस डे, एंड बस नीट MBBS इंडिया काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, आज या कल में आंसर की आ जाएगी। बाय बाय।